नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूं तो आम चुनाव के दौरान नेता अक्सर अपने काम का ढिंढोरा पीट पीट कर लोगों से वोट मांगते नजर आते हैं, लेकिन देवघर जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां नेताओं और सिस्टम के तमाम दावे हवा साबित होते जाते हैं। यही वजह है कि लगातार नेताओं की बेरुखी और सिस्टम की अनदेखी का शिकार इस गाँव के ग्रामीणों के लिए वोट बहिष्कार आज मजबूरी बन चुकी है। मजबूरी भी इसी उम्मीद में कि उनके इस फैसले से कहीं बाहरी सरकार और मौकापरस्त नेताओं की नींद टूट जाए। दरअसल देवघर जिले के सारमा प्रखंड स्थित झिकटी गांव के लोगों ने एक अदद सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक न जाने कितनी सरकारें आई और गई। कई नेताओं ने विकास के सब्ज बाग भी दिखाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गाँव के बुजुर्गों की आंखें आज भी सड़क के पास में अटकटकी लगाए हैं और नई पीढ़ी का सब्र अब जवाब देने लगा। जाहिर है यही हालात रहे तो आने वाले समय में विरोध का दायरा बढ़ेगा और लोगों का लोकतंत्र के इस महापर्व से मोह भंग भी होगा। ऐसे में उन तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि समस्या का समाधान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। देवघर से बबलू साह की रिपोर्ट। हम वोट नहीं है, सरकारें देखी रोडा नहीं है, हमारे पथल बैठे छिड़ी गई रोड न तो वोट नहीं। कौन सा गांव है और क्यों आप लोग आज नाराबाजी कर रहे हैं? झिकटी गांव है, नाराबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोड 14 वर्ष नहीं बन रहा है, इसलिए रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आप लोग का क्या कहना है कि रोड बने? रोड बने तो वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजय मांझी। जब से जन्म हुआ है हम लोग के पापा भी यही बोल रहे हैं जो कि कभी रोड हम लोग दिखे ही नहीं है, तो इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आज रोड नहीं तो वोट नहीं के मुद्दा को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं सभी लोग। ये कौन सा जगह है? ये ग्राम झिकटी, पंचायत बंदागिरी, सारवा प्रखंड, सारवा देवघर। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।